आप और विवादों का तो जैसे चोली दामन का साथ हो गया है। हम बात कर रहे हैं पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की, जिन पर डिग्री के फर्जीवाड़े का आरोप है। ना वो क्लासरूम दिखा पाए, ना ही किसी टीचर को पहचान सके, और दावा अयोध्या के साकेत कॉलेज से बीएससी पास करने का है। जी हां, फर्जी डिग्री केस में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का झूठ अब बेनकाब हो चुका है। अब तोमर को भागलपुर और मुंगेर ले जाया जाएगा, और इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उन्हें जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। कथित फर्जी डिग्री केस में अयोध्या में जब दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से पूछताछ चल रही थी, तो वहां से दूर दिल्ली में पुलिस कुछ शिक्षण संस्थानों पर रेड डालकर फर्जी डिग्री रैकेट के तार खंगाल रही थी, जिससे तोमर के जुड़े होने का शक पुलिस को है। बुधवार को करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद तोमर को दिल्ली पुलिस की 20 सदस्यीय टीम गुरुवार को सुबह 11:30 बजे फिर साकेत डिग्री कॉलेज अयोध्या लेकर आई, जहां प्राचार्य कक्ष में उनसे लंबी पूछताछ चली। सूत्रों की माने तो कुछ और लोगों से उनका आमना सामना करवाया गया, जिनमें कुछ उस वक्त के छात्र और शिक्षक बताए जा रहे हैं। कल भी तोमर से पहले फैजाबाद के आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी में 6 घंटे और साकेत डिग्री कॉलेज में 4 घंटे पूछताछ हुई। कॉलेज स्टाफ का दावा है कि पूछताछ में तोमर का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो गया। उनकी सारी मार्कशीट जो दिखा रहे थे वो कॉलेज से नहीं है, ना उनका यहाँ कभी प्रवेश था और ना कभी यहाँ से उनको कोई मार्कशीट मिली है। वो सारे डॉक्यूमेंट फेक पाए गए हैं जो उन्होंने प्रस्तुत किया था दिल्ली पुलिस के पास। कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर प्रदीप सिंह के मुताबिक इसी कॉलेज से बीएससी की डिग्री लेने वाले तोमर न बीएससी क्लासरूम का रास्ता बता पाए और न ही कॉलेज का लैब ढूंढ पाए, यहां तक कि वो किसी अध्यापक को भी नहीं पहचान सके। इसके लिए खास तौर पर कॉलेज के पुराने स्टाफ को भी बुलाया गया था। तोमर की डिग्री का सच जानने के लिए पुलिस ने कई सवाल पूछे, मसलन जब वो साकेत डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उनके सहपाठी कौन थे, रेलवे स्टेशन से कॉलेज जाने का रास्ता कौन सा है, वो कहाँ रहते थे, लेकिन तोमर किसी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस के मुताबिक इससे साफ हो गया कि तोमर ने साकेत डिग्री कॉलेज में कभी क्लास किया ही नहीं। यही वजह है कि किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय वो जांचकर्ताओं को गोलमोल घुमाते रहे। नहीं, किसी को नहीं पहचान पाए, ना कोई अध्यापक उनको पहचान पाया, ना वो किसी को यहाँ जानते हैं, और तमाम प्रश्नों में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। अब पुलिस तोमर को भागलपुर ले जाने वाली है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज मुंगेर से तोमर ने लॉ करने का दावा किया है। पुलिस आ रही है, उसको कोऑपरेट करना है। जो सच्ची बात है वहां तक पुलिस तह तक पहुंचे, ये हम भी चाहेंगे। इस बीच तोमर को लेकर दिल्ली में भी एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, इनमें रोहिणी का यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट और महारानी बाग का एक संस्थान शामिल है। तोमर की गिरफ्तारी के बाद से ही रोहिणी का यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट बंद था और इसका मालिक गायब है। पुलिस को इन संस्थानों पर फर्जी डिग्री का बड़ा रैकेट चलाने का शक है, जिसके तार तोमर से जुड़े हो सकते हैं। फैजाबाद से बनबीर सिंह, तनसीम हैदर और मुंगेर से सुजीत झा के साथ अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।